हेलो गेमर्स, क्या हाल है सबके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 2022 या 2023 में PS4 गेमिंग कंसोल लेना वर्थ इट है या नहीं। आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि हम एक पीसी बिल्ड क्यों नहीं कर लेते जिसमें कि अच्छे ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे। आपके यही सब क्वेश्चंस का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग के लिए ही एक पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो, मैं दोबारा बता दूं, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए, या फिर आप कोई कंसोल लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी गेमिंग फैंस के लिए काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले मैं आपके सामने 5 पॉइंट्स या फैक्टर रखने वाला हूँ कि क्यों 2022 या आने वाले नेक्स्ट ईयर 2023 में PS4 लेना आपके लिए एक बेहतर डील हो सकती है। ये जो पॉइंट्स है जैसे कि प्राइस, एक्सक्लूसिव टाइटल्स, अपकमिंग टाइटल्स, जेल ब्रेक, गेमिंग लाइब्रेरी, इनके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, PlayStation 4 में आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, PS4 फैट वाला वर्जन, PS4 स्लिम और PS4 प्रो। आज की डेट में मैं आपको फैट वाला वेरिएंट प्रेफर नहीं करूंगा लेने के लिए, क्योंकि ये वाला वेरिएंट 2013 में लॉन्च हुआ था और PS4 स्लिम और प्रो आपके 2016 में लॉन्च हुए थे। ये दोनों वेरिएंट्स आपके ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। मैंने खुद अभी करोलबाग की एक मार्केट से PS4 स्लिम बाय किया है सेकंड हैंड। तो आज की डेट में आप जो भी प्लेस्टेशन परचेज करते हो, स्लिम हो या फिर प्रो, तो आपको जो स्लिम वाला वेरिएंट है वो 15,000 से 20,000 के बीच में मिल जाएगा। डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस, कंट्रोलर्स और जो साथ में गेम्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अगर आप गेमिंग को 4K में एंजॉय करना चाहते हो तो आप थोड़ा एक्सटेंड होकर 20,000 से 22,000 के बजट में प्लेस्टेशन 4 भी परचेज कर सकते हो। और अगर आप एक न्यू PS4 लेने का प्लान कर रहे हो तो आज की डेट में काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली 30,000 से 35,000 के बीच में मिलेंगे, जिसके अंदर 15,000-20,000 रुपए और डाल के आपका PS5 आ जाएगा। बट अगर आप 15,000 से 20,000 के बीच में एक सेकंड हैंड PS4 लेते हो तो जो आपके एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे उससे आप अलग से डिस्क वगैरह भी ले सकते हो। OLX पर आप काफी अच्छे रेट में डिस्क वगैरह परचेज कर सकते हो, जो कि आपको एक लेटेस्ट गेम के जो स्टार्टिंग के प्राइस होते हैं उससे आधे से भी आधे रेट में मिल जाएगी। ये तो रही प्राइस की बात। अगला हम बात करते हैं गेमिंग लाइब्रेरी पर। आज की डेट में आपको PS4 में करीब 4,500 से भी ज्यादा गेम देखने को मिलती हैं, ओल्ड से लेकर टिल डेट तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है गेम्स के टाइटल्स की, जो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव ही रहेंगे। जैसे कि अगर पॉपुलर गेम्स की बात करूं तो लास्ट ऑफ अस 2, अनचार्टेड, गॉड ऑफ वॉर 2018 वाली। वैसे तो ये टाइटल सारे पीसी पर भी अवेलेबल हैं, पहले ये सिर्फ PS4 एक्सक्लूसिव थे। अगर बात करें पीसी में इन गेम्स को रन करने के लिए, तो आपको एक काफी तगड़ा पीसी चाहिए होगा जिसके स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हों। अगर आप अच्छे फ्रेम रेट्स और तगड़े ग्राफिक्स चाहते हो तो आपको मार्केट में ग्राफिक कार्ड इतना महंगा मिल जाएगा, उसके बाद उसके और कंपोनेंट्स हो गए, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सब चीजें तो बहुत अलग है। ये मान लीजिए आपका 70,000 से 80,000 के बीच में बजट बन जाएगा इसका। यहीं पर PS4 आपको ये सारी गेम्स एक काफी अच्छे ग्राफिक्स और फ्रेम रेट्स पे एंजॉय करवा देगा, वो भी 15,000-20,000 के प्राइस में। इससे आप PS4 की पावर का आइडिया लगा सकते हो कितना तगड़ा कंसोल है ये। उसके बाद करंट जनरेशन टाइटल जैसे होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, जो PS4 पर भी रिलीज हुई है, फीफा, एल्डन रिंग्स, ऐसी करंट जनरेशन गेम्स भी आ रही हैं जो PS4 पर भी रिलीज हो रही हैं, तो टाइटल्स का तो कोई इशू ही नहीं है। नॉर्मल हो या एक्सक्लूसिव, प्लेस्टेशन, PS, Xbox सभी पर आप इसको एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ साथ PlayStation 4 में आप अलग अलग टाइप के मल्टीमीडियाज और OTT प्लेटफॉर्म का ही मजा ले सकते हो, जैसे Netflix, प्राइम हो गया आपका, YouTube हो गया, Spotify हो गया, ये सभी आपको PS4 में मिल जाएंगे। अब थोड़ा PS4 के ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। ये जो कॉन्सोल है ये 2013 में आया था, इसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ग्राफिक्स कैसे होंगे ये डाउट आज की डेट में हर बंदे के अंदर आता है। ये कॉन्सोल आपको 1080p 30fps के फ्रेम रेट्स पे गेमिंग करवा देगा। इसमें कुछ गेम्स जो है 60fps पर भी रन करती हैं, बट PS4 की जो गेम्स है वो मोशन ब्लर से शूट होती हैं, तो आपको 30fps पर भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप कंपैरिजन करें एक पीसी में 30fps फ्रेम पर गेमिंग करने पे और एक कॉन्सोल में, तो आपको कंसोल के अंदर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ड्यू टू मोशन कैप्चर। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक 4K टीवी अवेलेबल है तो उसके ऊपर भी आप इसको कनेक्ट करके चला सकते हो, आपको पिक्सेलेशन या फिर रेजोल्यूशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। हाँ, PS4 प्रो आपका एक 4K कंसोल है, पर ट्रू 4K नहीं, 30fps के फ्रेम रेट के साथ इसके जो क्वालिटी है वो काफी अपस्केल रहने वाली है। कुछ प्रॉपर 60fps से रन करेंगी, जैसे EA स्पोर्ट्स की गेम हो गई आपकी, फोर्टनाइट, वॉरजोन, कोल्ड वॉर, ये सभी आपको 60fps में देखने को मिल जाएगी। और तो इसका जो पावर कंजप्शन है वो भी आपके एक पीसी से काफी कम है। दूसरा प्लस पॉइंट आ जाता है इसका साइज। PS4 स्लिम जो है वो इतना छोटा साइज है कि आप इसको आराम से अपने बैग में कैरी कर सकते हो लैपटॉप की तरह, बस आपके पास एक पावर कॉर्ड और HDMI केबल होनी चाहिए। बाकी टीवी तो आप जहां भी जा रहे हो फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप एक शूटिंग गेम खेलना चाहते हो COD, फोर्टनाइट जैसी, वो भी कीबोर्ड माउस पर, तो वो भी आप PS4 में कनेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सभी EA स्पोर्ट्स टाइटल में कीबोर्ड माउस की कंपैटिबिलिटी आपको PS4 में मिलती है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है जेल ब्रेक। अब ऑब्वियस सी बात है, डिस्क इतनी महंगी
महंगी आती है कि हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता। इतनी मुश्किल से तो PS4 लिया है। वैसे तो पायरेसी सही चीज नहीं है, बट ये इंडिया है, यहाँ पर ये सारी चीजें चलती ही चलती हैं। क्रैक गेम्स का यहाँ पे अलग ही क्रेज है। अब PS4 को आप खुद से भी जेल ब्रेक कर सकते हो या फिर आप दुकान पर जाके भी करवा सकते हो। यूट्यूब पर आपको वैसे इसकी वीडियोस काफी सारी मिल जाएंगी जेल ब्रेक की, बट इसके अंदर PS4 का डेड होने का रिस्क काफी रहता है। पर एक बार जेल ब्रेक होने के बाद आप इसके अंदर एमुलेटर्स वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद आप इसके अंदर निंटेंडो हो गया, 8-bit वाली जो गेम्स आती थी पुरानी, मारियो वगैरह, PS1, 2, 3, ये सभी गेम्स आप अपने PS4 के अंदर इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसके जेल ब्रेक के रिसेंट अपडेट जो है वो अभी तक आए हैं। पर इसका ड्रॉबैक बस यही है कि एक बार जेल ब्रेक करने के बाद आप इसको दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन गेम्स ही खेल सकते हो। इसमें ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम आप भूल जाओ। अब मैंने सारी चीजें आपको बताई। अगर आप एक कॉन्सोल लेना चाहते हो या फिर एक गेमिंग के लिए PC बिल्ड करना चाहते हो, तो गेमिंग के लिए तो मैं कॉन्सोल ही प्रेफर करूंगा। बात अगर आ जाती है प्रोडक्टिविटी की, PC के अंदर और भी काम हो सकते हैं, एडिटिंग वगैरह हो गया, आपका ऑफिस वर्क हो गया, आप एक YouTube चैनल भी स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए PC का काफी काम होता है, वो सब चीजें ठीक है। पर वही बात है, उसको बिल्ड करवाने के लिए आपको एक अच्छा खासा बजट लेके चलना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद ग्राफिक कार्ड इतने महंगे हो चुके हैं। अगर मैं आपको अपनी एडवाइस दूं तो आप एक हल्का सा PC या लैपटॉप ले सकते हो, जिसके अंदर आप अपना छोटा मोटा काम कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह हो गई, और गेमिंग के लिए आप एक सेपरेट कंसोल ले सकते हो। बाकी चॉइस आपकी है। मैं आपको एक चीज दोबारा बता देता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ सारी, ये मैं गेमिंग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि कंसोल सिर्फ गेमिंग के लिए होता है, और PC से हम काफी सारी चीजें सीख भी सकते हैं, तो कंसोल कभी PC से बेटर तो हो नहीं सकता। लास्ट में मैं आपको एक फाइनल पॉइंट ये बता देता हूँ कि आपको PS4 क्यों नहीं बाय करना चाहिए। जैसे कि आपको लेटेस्ट टाइटल्स खेलने हो, आप एकदम अप टू डेट रहना चाहते हो, मतलब कि आप बहुत ज्यादा तगड़ी गेमिंग करते हो, तो PS4 आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ कैजुअल गेम्स के लिए बनाए। आप PS5 या Xbox S या X ले सकते हो अगर आपका बजट है तो। आपको ग्राफिक्स काफी ज्यादा हाई चाहिए, 4K हाई फ्रेम रेट्स वगैरह आपको चाहिए, तो आप करंट जन कंसोल पर इन्वेस्ट कीजिए PS4 की बजाय, या फिर एक PC बिल्ड कीजिए। बस यही कुछ रीजंस हैं कि आपको PS4 क्यों नहीं लेना चाहिए, वरना 15,000 से 20,000 की रेंज में PS4 स्लिम लेना सेकंड हैंड वो भी काफी अच्छी डील हो जाती है गेमिंग के लिए, अगर आपका बजट काफी ज्यादा टाइट है। वरना PC, लैपटॉप, PS5 तो है ही अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो। हाँ, पर PS4 लेना भी रेलिवेंट है 2022 और 2023 में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेमिंग का। इस चैनल पर मेरी ये पहली वीडियो है, आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पर गेमिंग से रिलेटेड और गैजेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।